क्या आपका सेक्सुअल प्लेजर वाइब्रेटर से बढ़ता है? तो उसके बारे में आज जानकारी दूंगा, वाइब्रेटर का इस्तेमाल और सेक्सुअल प्लेजर। वाइब्रेटर्स जो है वो सेक्स लाइफ में मजा प्लेजर करने के लिए बहुत काम में आते हैं। वाइब्रेटर्स दोनों के लिए भी काम है, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। वाइब्रेटर स्पेशली आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी कंपनियां जो वाइब्रेटर्स बेचती है, और वो आप यदि ऑनलाइन करते हैं ऑर्डर उसको, तो डेफिनेटली आपको घर में वाइब्रेटर्स मिल जाएंगे। वाइब्रेटर्स का काम क्या है, मतलब वाइब्रेटर्स काम कैसे करते हैं? देखो क्या होता है कि हमारे जेनिटल्स जो है, मतलब हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है, उसमें बहुत सारे सुपरफिशियल और डीप नर्व्स, नर्व एंडिंग्स है, और वो जो नर्व एंडिंग्स है उसको जो रिसेप्टर्स है वो प्रेशर को या टेम्परेचर को या ऐसा उसको वाइब्रेट करते हैं, मतलब ऐसा हिलाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसको यदि मसाज करते हैं प्राइवेट पार्ट को, उसको यदि ऐसा हल्का सा वाइब्रेट करते हैं, मतलब हिलाते हैं, ट्रेमर्स निर्माण करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है ब्लड फ्लो की, और उसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो फिर 6 तरीके हैं कि वाइब्रेटर से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये 6 तरीके कौन से हैं, या मतलब 6 कारण हैं क्योंकि आपको जो कि वाइब्रेटर से आपको फ़ायदा होगा, या वाइब्रेटर्स फ़ायदा क्यों करवाते हैं। नंबर 1 का कारण ये है कि वाइब्रेटर आपके प्राइवेट पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट, एक तो वाइब्रेट वो पेनल रिंग में वाइब्रेटर आ जाएगा, पेनल रिंग में, या फिर आप वाइब्रेटर सिर्फ सीधा सीधा आप पेनिस को लगा रहे हैं और वो वाइब्रेट कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे मसल्स जो है पूरी, है ना, जो मसल्स है, कॉर्पस कैवर्नोजम, कॉर्पस पॉन्जियोजम, ये जो सब ब्लड वेसल्स है और मसल्स जो है, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपांड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपांड करती है, छोड़ पकड़ करती है। उससे क्या होता है, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो यदि बढ़ गया तो इरेक्शन ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया एक तरीका या एक कारण कि भाई वाइब्रेटर से फ़ायदा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया तो इरेक्शन अच्छा आएगा, इरेक्शन अच्छा आएगा तो मज़ा आएगा। नंबर 2 जो है वो है कि इरेक्शन बहुत ज़्यादा आता है वाइब्रेटर से, और एक ऐसी स्टडी थी कि उस स्टडी में उनको 1 महीने तक वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने दिया, और बाद में उनको पूछा कि उसका असर दूसरे महीने में क्या दिखा। तो जिन्होंने वाइब्रेटर पिछले महीने में यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, उन्होंने ये बोला कि हमको दूसरे महीने में, नेक्स्ट महीने में बहुत ज़्यादा आकर्षण हुआ, बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इसलिए डिज़ायर पैदा करता है वाइब्रेटर, ये एक हो सकता है वाइब्रेटर से फ़ायदा। तीसरा जो है वो है सेक्स परफॉर्मेंस इंक्रीज का कारण, कि वाइब्रेटर जब स्टिम्युलेट करता है नर्व एंडिंग्स को, नर्व एंडिंग्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टिम्युलेशन वहाँ कर सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टिम्युलेशन जब होता है तो नेचुरली ब्लड वेसल जो है वो एक्सपांड होते, बड़े होते, ब्लड वेसल बड़े हो गए कि वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा, और ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा तो ज़्यादा लिंग में कठोरता आएंगी, लिंग कठोर ज़्यादा होगा, तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और ब्लड फ्लो बढ़ा के बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए वाइब्रेटर फायदे के है। चौथा जो है कि ये स्टडी में बाहर आया, ये निकल के आया स्टडी में, कि जो जो लोगों ने वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंस ऑर्गेज्म मिला, मतलब जो उच्चतम स्तर रहता है मज़ा आने का वो बहुत ज़्यादा था, और लंबे समय तक वो चला, ऑर्गेज्म लंबे समय तक चला, तो वो एक फ़ायदा हो गया वाइब्रेटर का। पांचवा जो है कि वो रिलेशनशिप अच्छी करता है वाइब्रेटर, वो कैसे कि समझो आप वाइब्रेटर वापर रहे तो आपको मालूम है कि वाइब्रेटर वापर के उसका इस्तेमाल करके इरेक्शन हो जाता है, तो जिनको प्रॉब्लम है इरेक्शन का तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके दिमाग के ऊपर, अंडर प्रेशर रहते हो कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ऐसा वैसा चालू रहता है, तो वाइब्रेटर वो प्रेशर निकाल लेगा, मालूम है कि वाइब्रेटर जब है तो अपना इरेक्शन तो होने वाला ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छठवां जो है कि आप अकेले सेक्स की मजा ले सकते हैं, आपके पास में वाइब्रेटर है तो अकेले भी आप कर सकते हैं वाइब्रेट, और आप ऑर्गेजम अकेला कॉज कर सकते हैं। तो ये 6 तरीके या 6 कारण है कि जहाँ से आपको वाइब्रेटर से फ़ायदा हो सकता है। अब वाइब्रेटर के लिए क्या करना चाहिए, वाइब्रेटर जो आते हैं रॉड जैसे आते हैं, और एक तो वो जब स्त्री उसका इस्तेमाल करती है और योनि में डालती है तो डेफिनेटली उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप डेटॉल से उसको साफ़ कर लो, पानी से धो डालो,
उसको हाथ मत लगाओ क्योंकि अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, यदि उसको इन्फेक्शन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अंदर डाल के योनि में डाल के भी वाइब्रेट कर सकती है स्त्री, और बाहर क्लाइट्रल स्टिमुलेशन जो है तो उसको वाइब्रेट करके भी उसको बहुत मजा आएगा और बहुत आनंद उसको आता है। पुरुष के लिए रिंग्स जो रहती है उसमें वाइब्रेटर रहता है छोटा सा, और जब रिंग वो पहनता है पेनिस में लिंग में तो वो ऐसा 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 यहीं कि भाई ऐसा वाइब्रेट करेंगे, वो रिंग ही वाइब्रेट करेंगे पूरी, और वहाँ से उसको नर्व सिमुलेशन होगा और इरेक्शन आ जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ आप बेस पर लिंग के बेस पर आप लगाते हो वाइब्रेटर, वो रिंग लगाते हो, हेड लगाते हो, और अभी योनि में पेनिस डाल दिया। अब क्या हो गया कि योनि में पेनिस अंदर है तो वो आनंद मिल रहा है हिलने का, और दूसरा ये वाइब्रेटर जो है ये वाइब्रेटर क्लाइट्रल स्टिमुलेशन कर रहा है, मतलब क्लाइट्रल का स्टिमुलेशन भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, तो स्त्री को एक डबल बेनिफिट आता है और उससे बहुत ज़्यादा आनंद उसको आ जाता है। इनफैक्ट वो वाइब्रेटर की डिमांड बहुत सारी महिलाएं, एक बार वो मालूम पड़ा कि इससे डबल बेनिफिट है तो वाइब्रेटर की डिमांड बहुत सारी महिलाएं करती रहती है। जो पेनाइल रिंग है और उसमें जो वाइब्रेटर है उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका जो सेल है, बैटरी जो है सेल, वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो मिलते नहीं है जल्दी जल्दी, और उसको भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो यह है वाइब्रेटर के फ़ायदे, वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए ज़रूर, फ़ायदेमंद है। और वाइब्रेटर एक तो रिंग के इसमें वापरते हैं, दूसरा जो ग्लांस है, ग्लांस पेनिस सामने का, उसको स्टिमुलेट करने के लिए वापरते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है। फीमेल्स का मैंने बता दिया कि क्लाइट्रल स्टिमुलेशन और योनि में स्टिमुलेशन, इस तरह के वाइब्रेटर की यूज़ है, और यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अलग आनंद आएगा, मज़ा आएगा। आपका सेक्स लाइफ अच्छा करने के लिए मैं एक हॉट स्टैमिना करके एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आपको रिकमेंडेशन करूँगा। ये बहुत ही पावरफुल टैबलेट है और इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इरेक्शन के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। एक सुबह एक शाम को कैप्सूल लेना है, नीचे लिंक दी हुई है उसमें आप क्लिक करते हैं तो आप कैप्सूल की ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पेमेंट कर सकते हैं, आपको घर में वो कैप्सूल आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।